Good morning, student. This is our lecture number 5, chapter number 11, area and its boundary, standard 5th, subject mathematics. Okay, so in previous lecture, we already seen the different method of if we have a given two different shape like rectangle or square. So then we already discussed about that, how can we identify what is rectangle and what is square. So for that, what is the phenomena of you have to define? It is a rectangle, that means its two opposite sides are equal. If it is a square, then all four sides are equal. After that, we also discuss about if we have to find out the perimeter of a rectangle as well as for the perimeter of the square, that for that also we derive a equation. That after we again go ahead and finding the area of a rectangle as well as the area of a square. After that, we doing some exercise. Now this is our practice time. Okay, in our practice time, what we have to do? According to the question, we have to answer. So our first question is what? First question, Arbaz plans to tile his kitchen floor with green square tiles. Each side of the tile is 10 cm. His kitchen is 220 cm in length and 180 cm wide. How many tiles will we need? Okay, what is question? Arbaz plans to tile his kitchen floor with green square tiles. Okay, एक अरबाज नाम का लड़का है जो कि प्लान कर रहा है टू टाइल। टाइल करना मतलब टाइल्स लगवाना हिज किचन फ्लोर। उसका जो किचन फ्लोर है, उस किचन फ्लोर पे वो टाइल बाउंडेड करने के लिए वो प्लान कर रहा है विद ग्रीन स्क्वायर टाइल। किसके थ्रू? ग्रीन स्क्वायर टाइल्स के थ्रू। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। जो उसके टाइल की एक साइड है, एक एक साइड वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। मेन की जो स्क्वायर टाइल को चूज कर रहा है उसके किचन को, किचन में टाइल लगवाने के लिए, तो वो टाइल जो है वो स्क्वायर है और एज वेल एज उस स्क्वायर टाइल का मेजरमेंट कितना है? वन साइड का 10 सेंटीमीटर। अब जब ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर टाइल है, अगर वन साइड इज 10 सेंटीमीटर, एक साइड 10 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर के ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, दैट मीन सारे क्या हो जाएंगे? 10 सेंटीमीटर के। आप चेकआउट कर सकते हो, आपके घर में किचन है, ठीक है, आपके किचन में जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे मोस्टली है ना, किचन्स के अंदर जो टाइल्स होती है ना, वो स्क्वायर टाइल की ही यूज होती है, ठीक है, रेयरली ही कोई रेक्टेंगल टाइल्स यूज होते हैं। वैसे मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बेस्ड होते हैं, तो उस डिजाइन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो वहां पे वो स्क्वायर टाइल यूज कर रहा है एंड एक साइड का लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। दिस किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। जो किचन है, किचन का लेंथ दिया है एंड विड्थ दिया है, तो दैट मीन टाइल्स कैसे यूज कर रहा है वो? स्क्वायर। और किचन कैसा है? रेक्टेंगल। कैसे पता चला हमें रेक्टेंगल है? कॉज लेंथ एंड वेट दोनों चीजें दी हुई हैं, तो हमें दो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, तो हम आंसर करते हैं क्या है। अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर। जो अरबाज है, अरबाज प्लान कर रहा है उसके किचन फ्लोर को टाइल करने के लिए। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस टाइम का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस टाइम फर्स्ट क्या था? अरबाज प्लान टू टाइल द किचन, फॉर दैट ही यूजिंग स्क्वायर टाइल। सो द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर टाइल कितना है? लेंथ कितना है स्क्वायर टाइल का? 10 सेंटीमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज 10 सेंटीमीटर। नाउ for that area of a square tile area में find करेंगे is equal to l multiplied by l is equal to 10 multiplied by 10 100 centimeter square. This is the area of a tile. Now अब kitchen का length, kitchen's length कितना दिया है?
220 सेंटीमीटर एंड किचन वेट, किचन का वेट कितना दिया है? जो मैं बोलूं ना वर्ड, किचन का वेट कितना दिया है? किचन का वेट हमें कितना दिया है? 10 कितना है? 20 देख रहा है ना आप लोग को, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा क्या कि जो किचन है उस किचन का लेंथ है हमारा, ठीक है, लेंथ कितना है? 220 सेंटीमीटर। और किचन की वेट कितनी है? वेट कितनी है? 180 सेंटीमीटर। वाइड कितना है किचन? 180 सेंटीमीटर। तो किचन की विड्थ है हमारी 180 सेंटीमीटर। तो किचन का लेंथ दिया है और विड्थ दिया है, तो इसका मतलब कि हमारा जो किचन है वो ऐसे शेप में होगा। कैसे? ऐसे रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। और जो किचन का लेंथ है वो हमें यहाँ दिया है 220 सेंटीमीटर। फिर किचन की जो विड्थ है वो हमें ऑलरेडी यहाँ दी हुई है 180 सेंटीमीटर। ओके, अब किचन के अंदर टाइल्स कैसे लग रहे हैं? स्क्वायर के 10 सेंटीमीटर। टाइल कैसे ऐसे कवर अप होंगे? तो दैट मीन कि हमें वो जो टाइल है उस टाइल का एरिया पता होना चाहिए। जब हमें टाइल का एरिया पता होगा तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने टाइल लगने वाले हैं किचन में, ठीक। तो इस वे में हम इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं, किचन की लेंथ दी है, किचन की विड्थ दी है। तो देन हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ द किचन, एरिया ऑफ द किचन। तो किचन का एरिया क्या हो जाएगा? किचन का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितना है? 220। विड्थ कितना है? 180। तो उनका मल्टीप्लीकेशन करो, 39,600 उसको डिवाइड करो एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल 100। तो 10 से 10 कट 10 से 10 कट तो कितने टाइल्स आएंगे? 396 टाइल्स। कितने टाइल्स कवर अप होंगे? 396, मतलब कि वो जो किचन है हमारा उस किचन में टोटल 396 टाइल्स हम अरेंज करेंगे स्क्वायर से। आ गया समझ में? तो आई होप प्रैक्टिस टाइम का फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियरली अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। होमवर्क में जो भी पीडीएफ है आपके पास आ ही गई होगी, तो उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। उसमें से प्रैक्टिस आउट करना है और अच्छे से 2-3 बार करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। ओके, अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिस टाइम का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस टाइम का क्या है वो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग आउट वन साइड ऑफ द गार्डन। क्या बोल रहा है? द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, एक स्क्वायर गार्डन है, उस स्क्वायर गार्डन पे जो फेंसिंग कर रहे हैं, फेंसिंग आउट कर रहे हैं, तो वो 20 मीटर लेंथ में है। तो हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन, तो गार्डन का जो वन साइड है वो कितना लॉन्ग होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सपोज फॉर एग्जांपल हम ले लें कि ये ऐसे हमारा एक गार्डन है। क्या है ये? हमारा गार्डन है, ठीक है, जो हमें एग्जांपल में दिया है। तो ये गार्डन है। अब वो क्या बोल रहा है? फेंसिंग लेंथ ऑफ द गार्डन, गार्डन की फेंसिंग है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि फेंसिंग होता क्या है। तो फेंसिंग का मतलब होता है कि सपोज कोई भी एरिया है, कोई भी लैंड एरिया है, कोई भी जमीन है, तो आपने देखा होगा कि उसके चारों तरफ ऐसे वो मेड लगा
बाड़ लगाते हैं ऐसे, ठीक है, उसको फेंसिंग मतलब वो एरो एरो टाइप का, अभी तो आरसीसी टाइप की दीवारें होती हैं तो वो लगा देते हैं उसके चारों तरफ, तो वो जो दीवारें होती है ना चारों तरफ लगाते हैं उसे फेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंसिंग। वो जो मतलब वो सिक्योर करते हैं कि ये हमारी जमीन है ऐसा, तो वो बड़े बड़े आरसीसी लगा देते हैं लैंड के चारों तरफ, तो वो क्या होता है फेंसिंग करना, मतलब कि अपनी जमीन के चारों तरफ वो उसको फेंसिंग करना। तो यहाँ पे ये उन्होंने जो है ये फेंसिंग करवा दी है अपनी जमीन की, तो भी ये गार्डन एरिया है इतना, ऐसा कोई भी देखेगा तो बोलेगा ये गार्डन एरिया है इतना। गार्डन एरिया के चारों तरफ होती है ना दीवारें, जैसे हम गार्डन में एंटर होते हैं तो गार्डन के चारों तरफ दीवार होती है, तो वो जो दीवारें हैं ना वो जो वॉल है ना उन्हें हम क्या कहते हैं फेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंसिंग। तो इसका लेंथ हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 20 मीटर, कितना दिया है 20 मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की लेंथ कितनी है 20 मीटर, ठीक है। अब हमें पूछा है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्डन, तो एक साइड का वन साइड लेंथ, तो गार्डन का हमें वन साइड लेंथ फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वन साइड लेंथ ऑफ द गार्डन। तो कैसे निकालेंगे, इजीली यहां में देख रहा है दिखाई दे रहा है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब क्वेश्चन में ध्यान देखो क्या है, द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, कैसा गार्डन है हमारा, स्क्वायर गार्डन है, कैसा है स्क्वायर गार्डन है, ठीक है, तो जो गार्डन है वो स्क्वायर है, मैंने यहाँ रेक्टेंगल बनाया है बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है स्क्वायर गार्डन दिया है, तो सबकी लेंथ इक्वली होगी और ये फेंसिंग लेंथ कितना है 20 मीटर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमें पता चल रहा है कि सम ऑफ ऑल द साइड मीन पेरीमीटर की बात हो रही है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ। अब पेरीमीटर का हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 20 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन, तो 20 उसको डिवाइड किससे करेंगे 4 से इज इक्वल टू लेंथ, तो लेंथ कितना आया 5 मीटर, लेंथ कितना आया हमारा 5 मीटर। तो जो गार्डन है जो स्क्वायर गार्डन है उसका लेंथ कितना है 5 मीटर, आ रहा समझ में। तो इस तरह से हमने इजीली जो है सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट कर लिया। तो प्रैक्टिस टाइम जो है वो होमवर्क में आपको ट्राई करना है अच्छे से, और ट्राई करके क्या करना है अच्छे से उसे समझना है ताकि आप उसे अच्छे से कर सको। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्मड इनटू अ रेक्टेंगल, में एक थिन वायर लिया है, एक पतला वायर लिया है, उस पतले वायर में क्या किया है 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज फॉर्मड इनटू अ रेक्टेंगल, ठीक है, वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है जिसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया है, इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स लेंथ, अगर जो विड्थ है इस रेक्टेंगल की वो 20 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज इट्स लेंथ, तो उसका लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या बोला है हमें, क्या बोला है क्वेश्चन थर्ड वन, कि थिन वायर है, ठीक है, थिन वायर और उसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, मीन ऐसे एक थिन वायर है और उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ओके, अब इस थिन वायर को क्या किया है, थिन वायर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया है, ऐसे थिन वायर को किसमें कन्वर्ट किया है रेक्टेंगल में, तो और उसकी जो विड्थ है वो हमें दे दी है 4 सेंटीमीटर,
मीटर, तो उसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, देखो जो उसका वेट है, वेट हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ओके, और उसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो वेट 4 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, तो हमें ऑलरेडी पता है पेरीमीटर तो दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + b, ओके। अब पेरीमीटर कितना है, हमें दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, इसको 2 × L, लेंथ कितना है ये पता, वेट तो हमें दिया है 4, ओके, टू मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवीजन में आएगा 25 × 2 = L + 4, 10 = L + 4, देन L = 10 − 4 = 6, क्या करेंगे हम, टू मल्टीप्लीकेशन में है ना 20 सेंटीमीटर = 2 का मल्टीप्लीकेशन अलग करो, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 में, तो 2L + 8, ओके, 2L एज इट इज बने देंगे यहाँ पर, 20 − 8, देन L = 12/2, देन L = 6, तो उसकी वेट कितनी आएगी 6, वेट कितनी आएगी सॉरी लेंथ कितना आएगा 6 आ रहा है समझ में, तो हमारा जो लाइन है वो क्या आ रहा है 6, तो इस वे में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा प्रैक्टिस टाइम यहाँ पर कंप्लीट होता है ABNC, तो देन आगे क्या करना है आपको इसे होमवर्क में प्रैक्टिस आउट करना है, ओके, थैंक यू।